जिस चीज का आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी की तो आप इंटरव्यू पास कर पाएंगे। ऐसे ही थोड़ी ना कि आप कर रहे हैं फार्मेसी और आप चले जाएं सर्जरी में, ऐसे काम तो चलेगा नहीं। तो जो आप पढ़ रहे हो, जिस चीज में आप रुचि ले रहे हो, जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, उसी से संबंधित जगह आपका लगेगा, वही तो आप क्लियर कर पाओगे। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इसका पूछा से कोई संबंध ही नहीं। नाम में क्या दिक्कत है, बीज मंत्र ही क्यों चाहिए, नाम में क्या दिक्कत है? आपके अगर गुरु हैं तो वो स्वयं आपको वो जानकारी देंगे कि कौन सा आपके लिए बीज मंत्र उचित है, कौन सा नहीं है। रही दूसरी बात कि अगर आप के गुरु नहीं है तो आपको बीज मंत्रों की आवश्यकता भी नहीं है, आपको नाम मंत्र से काम करना चाहिए। मां पार्वती से आज्ञा लेकर बताएं, नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ये नियम हमारे बनाए हुए नहीं है। ठीक है, जब से वेद पुराण शास्त्र लिखे गए तब से यही नियम है कि जो मंत्र उपदेश होता है गुरु देते हैं। आप ऐसे किसी भी चैनल पे किसी से भी जाके पूछ लेंगे, ये मंत्र बता दो, वो बता दो, या गूगल में सर्च करेंगे इस देवता के कौन कौन से मंत्र होते हैं, आप उठा के जपने लगोगे तो वो फल वैसा दें ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये है ज्ञान की परम बात। हमें क्या, हम कुछ भी बोल देते अभी अगड़म बगड़म और अपना नाम की जयकारे लगवा लेते कि नहीं भैया गुरु जी ने मंत्र दिया, ऐसा नहीं होता है। मेरे लिए किस चीज की तैयारी करना सही रहेगा गुरु जी? देखो, आपने क्या सब्जेक्ट लिया क्या नहीं लिया, आप क्या पढ़ रहे हो, ये तो हमें नहीं ज्ञाते, लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि भाई आप अपने सब्जेक्ट से संबंधित, आप अपने इंटरेस्ट से संबंधित चीजों की ही तैयारी करेंगे। आप खुद बोल रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो आपको नहीं पता होगा कि हमें क्या पढ़ना है, हमने क्या कोर्स लिया था, कैसे करना है। होम साइंस लेने वाला अकाउंटेंसी तो नहीं कर सकता। और भी किसी को कुछ पूछना हो तो जिन लोगों के पास गुरु नहीं है और बिना गुरु के भी वो सीखना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो हमारे पास ग्रुप है जिसमें बच्चे सीख रहे हैं। आप लोग भी चाहें तो जुड़ के सीख सकते हैं और वो निःशुल्क है, परंतु आपका सीखने में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज जुड़ गए हैं और आज हमें ये दे दो वो दे दो, ऐसा नहीं चलेगा। नियम कायदे सब सिखाए जाएंगे, वो ग्रुप ही नियम कायदे सिखाने के लिए, ताकि आप जब किसी और को गुरु बनाएं, किसी सदगुरु को ढूंढने जाएं, तो आपको दिक्कत ना हो। तो जो लोग भी चाहते हैं ऐसा, तो वो नीचे नंबर दिया हुआ है उस पर मैसेज कर सकते हैं कि हमारे गुरु नहीं हैं और हम आपसे सीखना चाहते हैं, तो उन्हें सिखाया जाएगा, आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ाया जाएगा। एक छोटा सा टेस्ट होता है जो पास करना होता है, जो पास कर लेते हैं वो ग्रुप में चले जाते हैं। जो लोग माँ भगवती की सेवा भेजना चाहते हैं स्वेच्छा से खुशी से माँ के दरबार के लिए, हमारे कम्युनिटी पर क्यूआर कोड लगा हुआ है, पेमेंट कोड लगा हुआ है, उसको स्कैन करके आप उस पर अपनी स्वेच्छा से भेजी गई रकम डाल सकते हैं। कोई डिमांड नहीं है, कोई मांग नहीं है, आप अपनी मर्जी से आप डोनेट करते हो। दूसरी बात, वो पैसा जो डोनेशन का है संस्था के अकाउंट में जाता है जिस संस्था के द्वारा समाज कार्य किए जा रहे हैं। समाज कार्य के लिए हमें धन की आवश्यकता है, तो जो लोग इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं, भगवती उनका कल्याण करें, उनका मंगल करें, उद्धार करें, उनके भंडारे भरें।